झूठा है तेरा वादा, मंत्री का वादा निकला झूठा। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री आवास बनाने का किया था वादा, 20 दिन गुजरने के बाद भी नहीं मिला आवास, ना कोई कार्यवाही शुरू हुई। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री और दतिया जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ और लोहापीटा समाज की 9 वर्षीय बालिका से 3 जुलाई को किया गया वादा सुनाए। इससे पहले आपको एक फिल्म गीत सुना रहे हैं, फिर सुनाएंगे मंत्री सुरेश धाकड़ का दिया गया वो वादा जो मंत्री जी अपने इंदरगढ़ प्रवास के दौरान एक बालिका से किया था। वादा था 9 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने का। मंत्री सुरेश धाकड़ ने वादा उस बालिका से किया था जिसने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि मामा मुझे भी घर दे दो, कच्ची झोपड़ी में सांप बिच्छू निकलते हैं, सोने की क्या कहें, बैठने तक की जगह नहीं है। इस वीडियो को देख कर प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ 3 जुलाई को इंदरगढ़ उस बालिका से मिलने आए थे और तमाम जनता और मीडिया के सामने वादा कर गए थे कि 9 दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बेटी के परिजनों को मिलेगा। लेकिन मंत्री का वादा ठीक वैसा ही निकला जैसा सभी नेताओं का चुनाव में वादा होता है। अब तक नगर परिषद इंदरगढ़ ने ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया और ना कोई कार्यवाही आगे बढ़ाई, जिससे ये समझा जाए कि आवास योजना का लाभ लोहापीटा परिवार को मिलेगा। एक बार फिर रविवार 22 जुलाई को जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ इंदरगढ़ आ रहे हैं विकास पर्व मनाने, लेकिन वादा निभाया नहीं। उस गरीब की कच्ची झोपड़ी में आज भी सांप बिच्छू निकलते हैं, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन मंत्री विकास पर्व मनाने में व्यस्त हैं। जब TV 27 न्यूज़ के संवाददाता ने लोक निर्माण मंत्री और प्रभारी मंत्री सुरेश धाकड़ से बात की, तब मंत्री ने यू टर्न लेते हुए कहा कि आवास स्वीकृत हो चुका है, जिस जगह ज़मीन दी जा रही है वहाँ वो जाने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से झूठा है, बयान है। अब तक ना तो आवास स्वीकृत हुआ और नगर परिषद की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंत्री सुरेश धाकड़ की जानकारी गोलमोल जवाब दिया और अपने वादे से पूरी तरह मुकर गए। शिवराज मामा हमें घर दिला दो, हमारी झोपड़ियों पे पानी भर जाता है। पक्का मकान हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है सालों से, डर लगता है। पानी भरता है? हाँ, पक्के मकान दिला। तो खुश हो? बहुत खुश हूँ। मामा से, शिवराज मामा से क्या कहना चाहोगे? शिवराज मामा को बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी से क्या बात हुई है? आप लोग पट्टी मांगने गए थे। हमने कही थी मंत्री से, आप तुमने 10 दिन का वादा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ और झूठ बोलते हैं ये लोग, और कह देते हम दे देते हैं और आप चले जाते फिर देते नहीं। क्या आश्वासन दिया मंत्री ने? मंत्री ने यही कही कि इनको मकान बना के जगह नाप दो। किससे कहा था? सीएम साहब से, तहसीलदार से। दोबारा ना, पहले भी आश्वासन दिया, अभी भी आश्वासन दे रहे? हाँ, 20 दिन पहले भी आपके दरवाजे थे। दरवाजे थे सर, तो तब से कोई वो नहीं हुई? कोई नहीं आया था। क्या नाम है? कल्ला। पहले तो मैं बेटी को तो धन्यवाद दूंगा, सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने तत्काल उस वीडियो को डाला और हम सब ने उसको देखा, और जैसे वीडियो को मैंने देखा तत्काल मेरे मन में आया, मैं जिलाध्यक्ष जी को दतिया बात की कि स्पॉट पर स्थिति क्या है। अध्यक्ष जी ने मेरे को बताया वाकई रहने को जगह नहीं है, तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कल अपन मीटिंग लेने आ रहे हैं, वो तत्काल अपन बेटी के घर चलेंगे। तो हमने अपना वादा निभाया, हम बेटी के घर आए और बेटी के घर आके बाकी मैंने स्थिति को देखा, तो बाकी बेटी को सोने की तो बात छोड़ो, बैठने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। मैंने तत्काल तहसीलदार को बुलाया और हमारे नगर पंचायत के CM को बुलाया। दोनों अधिकारियों ने मुझे को आश्वास दिया है कि 8 दिन के भीतर हम उनको जगह देंगे, पट्टा देंगे और 90 दिन बहन के खाते में हम पैसा डालेंगे जिससे बहन की कुटी बनेगी। फिर भी मैंने मेरे को दिक्कत बताई कि वहाँ कीचड़ अधिक है, तो मैंने वादा किया और CMO को भी ऑर्डर किए हैं कि वहाँ तत्काल हम बजरी और बोल्डर डरा के रोड भी बना के बेटी को देंगे और उनकी कॉलोनी जहाँ है वहाँ जगह देंगे, कुटीर बना के देंगे। तभी मन को तसल्ली हुई जब बेटी को मैं घर बना के दे दूँगा, और जब घर बन जाएगा बेटी का
तो मैं पुनः दोबारा बेटी के घर को देखने जरूर आऊंगा पूरी टीम के साथ। मनक जी, जैसे कि आज आप यहाँ पे आए, तो आज आपके आने के पहले आपने यहाँ सड़कों की दिशा देख ली है, गिट्टी मुरम वगैरह जो है डलवा दी गई, इससे पहले जनता के लिए क्यों नहीं किया जाता है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, समय समय पर आप लोग मुझे अवगत कराते हो, जितनी शिकायत मेरे को दतिया में जब जब मैं आता हूँ मिलती हैं, तो उनमें हर बार मैं कुछ ना कुछ सुधार जरूर कराता हूँ। ये सही है कि जहाँ मंत्री जाता है तो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं जो पूछ देते हैं, लेकिन इस समय पूरे मध्य प्रदेश में रोडों की हालत देखिए कि बाकी मकबल जैसी रोड है, रोड देखते तो 20 साल पहले जाइए तो ना रोड का पता लगता ना गड्ढे का पता लगता था। आज हमने जितनी रोडें डाली हैं सुपर रोड हम डाल रहे हैं, और जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत है वो रोड को हम सही कराए। नगर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, और सीएम राय एक जो है विद्यालय में एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बच्चे किताबें हाथ में लेकर और कपड़े ऊपर करके उसमें इतना पानी भरा था कि बच्चे जा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, सीएम राय स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में एक से एक सुपर सीएम राय स्कूल की व्यवस्था हमने की है, और सारे सीएम राय स्कूलों को जाकर मैं देखता हूँ उसमें अच्छी व्यवस्था है। जबकि आपने मुझे अवगत कराया उस पर मैं ध्यान करूंगा और तत्काल में अभी अधिकारियों बात करता हूं मीटिंग में। ऐसा क्या बिल्डिंग के लिए हमने पैसा डाल दिया, नई बिल्डिंग बन नहीं पाई, इसलिए हमने पुरानी बिल्डिंगों में व्यवस्था की है, तत्काल हमने बिल्डिंग बना के आपको। और दतिया की बात करते हो, दतिया में विकास इतना हुआ, मध्य प्रदेश में कोई विधानसभा में नहीं। ऐसा क्या